दबंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम हैं परिहार विधानसभा में और संदी पंचायत में और गोरहारी गांव में। यहां जो हम देखे कि एक मुस्लिम का जो पर्व है जो ताजिया है, साल में एक बार मनाया जाता है। और ताजिया क्यों मनाया जाता है, कौन सा मौका पे मनाया जाता है, तो यहाँ हम जरा कुछ बात करेंगे कि यहाँ प्रशासन का टाइट है कि नहीं, ये गांव के लोग व्यवस्था से देख रेख करते हैं कि नहीं करते हैं। और हम चलते हैं, जरा हम आगे बात करते हैं। यहाँ कौन है, नहीं है, हमारे कैमरा मैन आइए, अंदर आइए, आप लोग साइड होइए, तो हम दिखलाते हैं बोर्ड, दिखलाइए हम बोर्ड को, दिखलाते हैं दिखलाइए पूरा जो देख रेख है ये सब यहाँ है। चलिए यहाँ आइए। तो क्या नाम है आपका? जोर से इमामुद्दीन। तो सर ये जो अभी लॉकडाउन लगा था, तो क्या लॉकडाउन में ये खुशी आप लोग पाए थे कि नहीं पाए थे? हमारे नीतीश कुमार के जो सरकार में जो अभी तरह तरह का लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तरह तरह का घोषणा किया जा रहा है, तो ये ताजिया क्यों बना है, क्यों मनाया जाता है, मतलब ताजिया क्यों मनाया जाता है, इसका कुछ हम अर्थ जानना चाह रहे हैं। जी शुरू से चलते आ रहा है। अच्छा, ताजिया बनते आ रहा है, कितना मन्नत भी बनाता है, कितना जी जी मेला भी बनाता है जी, खुशी मनाता है। तो खुशी मतलब कौन सा विषय पे ताजिया, मतलब जो इमाम हुसैन जो अपना जी हुसैन के नाम पे? अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक चीज है, यहाँ प्रशासन का इतना भीड़ भाड़ देख रहे हैं, यहाँ ठीक ठाक सब कुछ है, व्यवस्था एकदम ठीक है जो प्रशासन के थ्रू और आपके गांव के थ्रू है, देख रेख है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एक और हमारे भाई साहब है, जरा हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रहमतुल्ला। तो ये जो बोर्ड दिखलाइए, तो क्या है आप ये आइए हमारे कैमरा का रक्षा है। अच्छा अच्छा, तो ताजिया क्यों मनाया जा रहा है, थोड़ा हम आपसे ये गहरी जानना चाह रहे हैं। ताजिया मनाया जा रहा है जो शुरू से मनते आया है, बनाते गया, इसलिए बन रहा है और चल रहा है, चलेगा। अच्छा, चलते जा रहा है, कभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और हमारे समिति जी हैं, रफी हैदर जी, जी जी जो उप प्रमुख भी हैं जी, और राम सूरत मंडल मुखिया जी हैं जी जी, उस सबके सहयोग में यह पूरे हिंदू मुसलमान हम लोग मिल के ये ताजिया को देख रेख में है। और बनाने वाला बाहर के एक हमारे भाई हैं, मेहमान सीतामढ़ी के जी, वो जब बना दिए यहाँ, तो हमारा काम है सामाजिक में हिंदू मुसलमान सब लोग हम लोग मिल के जी इसको देख रेख में रखे हुए हैं, कहीं कोई तरह के झंझट विवाद नहीं है। आप हर चीज में मुखिया जी और रफी हैदर जी जी उस सहयोगी में है। चलिए, और साथ साथ प्रशासन जी हम लोग को साथ है, जो कल भी आए थे और आज भी आ रहे हैं, और कुछ आने वाले लोग आके चले, यहाँ कोई तरह का दिक्कत नहीं। और मेला जो लगा हुआ है, मेला में क्या ये लोग जो मेला बाहर से बेच रहे हैं वो सबसे पैसा भी लेते हैं? नहीं, एक रुपया उससे नहीं लेते हैं, ना कोई किराया। हमारा ऐलान है कि अगर एक रुपया कोई ले जी आपसे अगर मांगे, तो यहाँ आके बोलिएगा, एक रुपया नहीं ले सकता है, कोई ना कर सकता है कि एक रुपया हमसे लिया। एक चीज है, तो ये ताजिया बनाने में, दहा बनाने में तो खर्चा बहुत ज्यादा लगा होगा, तो ये खर्चा कहाँ से आया, जैसे गांव के लोग मिला है, जैसे कोई नेता के थ्रू? ये खर्चा जो है मन्नित किया था सीतामढ़ी के लड़का जो बताया, हम लोग का बिरादर है, भाई होंगे रिश्ता में हम लोग को, वो जो है मन्नित बनाया है, कम से कम 14-15 लाख रूपया इसमें खर्चा हुआ है जी, और वो अपने खुद बनाया, खुद बनाया ये सारा खर्चा, वो खुद कर रहा जी जी। हम लोग का काम है सिर्फ सहयोगी उसका है जी जी। तो कितना फीट होगा दहा? दहा कितना फीट होगा तो नापे नहीं, 110 फीट। अच्छा, और ये कितना दिन से बन रहा था? ये बन रहा था चार महीना से। तो मजदूर को ठीक पेमेंट उमेंट सब मिल गया? सब कुछ ठीक से मिल गया, कोई मजदूर शिकायत नहीं। अच्छा, जो मन्नित माने हुए तो वो है यहाँ पे ताजिया के पास? तो चलिए हम उनसे भी मुलाकात करेंगे जी, मिल लीजिए। तो हमारे कैमरामैन चलिए हमारे पीछे पीछे चलिए, जहाँ जो चीज है वहाँ हम दिखलाते, और ये हाथ हटाइए और हल्ला गुल्ला आप लोग मत कीजिए। ये सब रिकॉर्ड कीजिए, टोटल रिकॉर्ड कीजिए, क्या नहीं है। क्या नाम है आपका? तो ये दाहा में जो आए हैं, मिठाई उठाई खाने आए हैं? नहीं, हम दाहा में काम
अच्छा अच्छा चलिए ठीक।